हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नसरीन बानो, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट मिरागल्स कॉलेज उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने एल्गी में फिट्स का क्लासिफिकेशन देखा था, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो इस तरह से था। ख़ास इसकी जो बातें थी वो इस प्रकार से थी कि एफी फ्रिट्स ने 1935 और 48 में अपनी बुक द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी के अंदर एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया था, जहां उन्होंने एल्गी को डिवीज़न के रूप में रैंक दिया था और 11 क्लासेस इसकी दी थी। जो 11 क्लासेस इन्होंने दी थी उसमें जो मेनली क्लासिफाई इन्होंने कैरेक्टर्स ऑफ पिगमेंट, फ्लेजिला और रिजर्व फूड मटेरियल के आधार पर किया था, और वो 11 क्लासेस जो थी वह क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डाइनोफाइसी, क्लोरोमोनिडी, युगलिनी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और मिक्सोफाइसी थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सब कुछ अलग अलग जो एल्गोलॉजिस्ट ने या फाइकोलॉजिस्ट ने टाइम टाइम पर जो क्लासिफिकेशन दिए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो आज हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन होगा वो है क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय स्मिथ। स्मिथ ने भी 1933, 51 और 55 में एल्गी को क्लासिफाई किया था, और जो क्लासिफिकेशन एल्गी का स्मिथ ने दिया था वह था फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ वेजिटेटिव सेल और मॉर्फोलॉजी ऑफ मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल पर आधारित था। इन्होंने एल्गी को 7 डिवीज़न के अंदर बांटा था और उनकी आगे अलग अलग क्लासेस दी थी। तो ये 7 डिवीज़न जो थे वो इस प्रकार से थे: क्लोरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, युगलिनोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा और साइनोफाइटा। अब ये सारे डिवीज़न थे जो कि स्मिथ ने दिए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे इनका एक एक जो डिवीज़न था उसको आगे किस तरह से क्लासेस में बांटा। जैसे सबसे पहले क्लोरोफाइटा जो है, इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक थे वह क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है। मोस्टली ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। रिजर्व फूड जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। मोटाई सेल बाई और क्वाड्री फ्लेजिलेट होते हैं, और सभी फ्लेजिला जो होते हैं वो एक समान होते हैं, यानी ये आइसोकॉन टाइप के होते हैं। अगर विप्लेश होंगे या टेंसल होंगे लेकिन वो एक ही प्रकार के होते हैं। क्लोरोफाइटा को इन्होंने 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, क्लोरोफाइसी और केरोफाइसी। नेक्स्ट है युगलिनोफाइटा। युगलिनोफाइटा के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक थे वह यह फ्रेश वाटर या टेरिस्ट्रियल दोनों तरह के पाए जाते हैं, पानी में भी मिलते हैं या सॉइल पर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट है, साथ में कैरोटीन भी प्रेजेंट होता है। रिजर्व फूड जो होता है वो फैट या पैरामाइलम स्टार्च के रूप में होता है। मोटाइल सेल्स होते हैं वो बाई, ट्राई और क्वाड्री फ्लेजिलेट पाए जाते हैं। इसके अंदर इन्होंने एक ही क्लास यूग्लिनोफाइसी को इंक्लूड किया था। नेक्स्ट है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार से हैं कि ये यूनिसेल्युलर या कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है, साथ में जेंथोफिल और केरोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। फूड जो होता है वो स्टार्च या ऑयल के फॉर्म में होता है। ये बायोफ्लेजिलेट होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर अनुपस्थित होता है। इसमें इन्होंने क्लास जो थी 2 क्लासेस दी थी, डेस्मोफाइसी एंड डाइनोफाइसी। उसके बाद में नेक्स्ट जो फाइलम है वो है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा के जो कैरेक्टरिस्टिक थे वह फ्रेश वाटर या मेराइन है। जेंथोफिल और केरोटीन पाए जाते हैं। रिजर्व फूड जो होता है वो ल्यूकोसीन या ऑयल के फॉर्म में होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट होता है। इनमें जो क्लासेस दी थी वह थी जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी। नेक्स्ट है फियोफाइटा। फ्यूफाइटा जो हैं ये मेराइन एल्गी हैं, ये सी में समुद्र में मिलती हैं। फ्यूकोसेंथिन और केरोटीन पाए जाते हैं। रिजर्व फूड जो होता है वो लेमिनेरिन, स्टार्च और मैनिटोल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर भी पाया जाता है। इसकी क्लासेस हैं आइसोजेनरेटी, हेट्रोजेनरेटी एंड साइक्लोस्पोरी, यानी लाइफ साइकिल पे बेसिस पे इन्होंने इनकी 3 क्लासेस दी, आइसोजेनरेटी, हेट्रोजेनरेटी एंड साइक्लोस्पोरी। नेक्स्ट जो है वो है साइनोफाइटा। साइनोफाइटा भी जो होता है ये फ्रेश वाटर में जनरली पाए जाते हैं, और लेकिन इनकी सेल जो होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है।
सी फाइकोसाइलिन और सी फाइकोएरिथ्रिन में मेन पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, मोटाइल सेल एब्सेंट होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें एब्सेंट होता है। इसमें इन्होंने एक क्लास साइनोफाइसी को इंक्लूड किया था। और लास्ट जो इन्होंने दिया था वो था रोडोफाइटा। रोडोफाइटा जो है वो मेराइन वाटर हैं, सी में पाए जाते हैं, ये ज़्यादा रेड एल्गी हैं। इसमें जो मेन पिगमेंट है वो आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन होता है, क्लोरोफिल डी जो होता है वो प्रेजेंट होता है, फूड फ्लोरिडियन स्टार्च होती है, मोटाइल सेल एब्सेंट होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। और इसकी क्लास इन्होंने दी थी रोडोफाइसी। तो इस प्रकार से ये स्मिथ का क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट हम देखेंगे जीएफ पेपेनफस का क्लासिफिकेशन। जीई पेपेनफस ने 1955 में क्लासिफिकेशन जो एल्गी का दिया था वह मेनली फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर बेस्ड था, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड था। और इन्होंने इसके अंदर 8 फाइलम और 12 क्लासेस 12 क्लासेस को इंक्लूड किया था। तो वो इस प्रकार से हैं, पहला फाइलम जो है वो है क्लोरोफाइकोफाइटा, यहाँ इन्होंने बीच में फाइको सी को भी इंक्लूड किया था, तो क्लोरोफाइकोफाइटा, जिसमें इन्होंने क्लास दी थी क्लोरोफाइसी। सेकेंड फाइलम जो था वो है केरोफाइकोफाइटा, क्लास इज केरोफाइसी। थर्ड फाइलम युगलिनोफाइकोफाइटा, क्लास जो है युगलिनोफाइसी। फोर्थ फाइलम है क्राइसोफाइकोफाइटा, क्लास इसमें इन्होंने 3 दी हैं, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी एंड बेसिलेरियोफाइसी। फिफ्थ फाइलम इज पायरोफाइकोफाइटा, जिसमें इन्होंने वापस 3 क्लासेस दी हैं, डाइनोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी एंड क्लोरोमोनेडोफाइक्सी। सिक्स्थ फाइलम इज फियोफाइकोफाइटा, क्लास फियोफाइसी। सेवन्थ जो फाइलम है वो है शाइजोफाइकोफाइटा, क्लास शाइजोफाइसी। एंड एट्थ फाइलम है रोडोफाइकोफाइटा, जिसमें कि क्लास है रोडोफाइसी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन जो कि राउंड ने 1973 में दिया था। एफ ई राउंड जो कि बहुत ही एल्गी पे जिन्होंने काफ़ी काम किया था, तो उन्होंने प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड जो न्यूक्लियस था उसके आधार पर ही एल्गी को क्लासिफाई किया था, जो कि साथ में अलोंग विद देयर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी और दूसरे कैरेक्टर्स को भी स्टडी किया था। उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन दिए थे जो फ्रिट्स ने क्लासिफिकेशन दिया था उसके अंदर। तो इन्होंने राउंड ने यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को एक अलग मेजर ग्रुप प्रोकैरियोटा में रखा था, और दूसरे जो सभी ग्रुप जो थे जिसमें कोई फ्रिट्स ने रोडोफाइसी के करीब रखा था। और यहाँ इनका जो हम अगर समरी देखेंगे तो पहला इन्होंने दिया है प्रोकैरियोटा, जिसके के अंदर फाइलम इन्होंने साइनोफाइटा दिया है, और दूसरा इन्होंने जो दिया था यूकैरियोटा, जिसके के अंदर सारी अदर एल्गीज आएंगी। इसके अंदर फाइलम जो सेकंड फाइलम है, जो फाइलम फर्स्ट साइनोफाइटा है, फाइलम सेकंड जो है वो है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा में इन्होंने 4 क्लासेस दी हैं, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, हेप्टोफाइसी एंड बेसिलेरियोफाइसी। फाइलम थर्ड हो जाएगा क्लोरोफाइटा, जिसमें इन्होंने क्लासेस दी हैं क्लोरोफाइसी, उडोगोनियोफाइसी, ब्रिप्सोडियोफाइसी, कंजुगेटोफाइसी, केरोफाइसी, प्रेसिनोफाइसी। फाइलम फोर्थ है युगलिनोफाइटा जिसमें उन्होंने युगलिनो का इंक्लूड किया था। फाइलम फिफ्थ जो होगा वो है पायरोफाइटा, इसमें क्लासेस दी थी डेस्मोफाइसी एंड डाइनोफाइसी। फाइलम सिक्स्थ इज क्रिप्टोफाइटा एंड फाइलम सेवन्थ इज फियोफाइटा। फियोफाइटा में क्लास आ जाएगी फियोफाइसी। और फाइलम जो एट्थ है वो है रोडोफाइटा, जिसमें इन्होंने क्लास इंक्लूड की थी रोडोफाइसी। इसके बाद हम देखेंगे वीजे चैपमैन का क्लासिफिकेशन, जो कि उन्होंने 1962 में दिया था। और यहाँ पे भी इन्होंने जो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट इन द प्लास्टिड्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड बायोकेमिकल डिफरेंसेस के आधार पर एल्गी को इन्होंने 4 फाइलम के अंदर डिवाइड की थी, और उनको फिर वापस इन्होंने क्लासेस में सब डिवाइड किया था। तो 4 जो इनकी मेन जो फाइलम थे वो इस प्रकार से थे, यू फाइकोफाइटा, जिसके के अंदर इन्होंने क्लासेस इंक्लूड की थी केरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। फाइलम सेकंड है
मिक्सोफाइकोफाइटा जिसमें इन्होंने क्लास दी थी मिक्सोफाइसी, फाइलम थर्ड इज क्राइसोफाइकोफाइटा जिसमें इन्होंने क्लास दी थी क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी एंड फाइलम फोर्थ इज पायरोफाइकोफाइटा जिसमें इन्होंने क्लास दी क्रिप्टोफाइसी एंड डाइनोफाइसी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है प्रेस्कोट का, G.W. प्रेस्कोट जो थे 1969 में इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टू न्यूक्लियस इन द एल्गल सेल अपने क्लासिफिकेशन के लिए इन्होंने इसी कैरेक्टरिस्टिक को शामिल किया था, लेकिन साथ में जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक थे वो थे इनका पिगमेंटेशन, बायोकेमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल एंड रिजर्व फूड मटेरियल। इस आधार पर इन्होंने एल्गी को 9 फाइलम एंड 14 क्लासेस में डिवाइडेड किया था। जो इनका क्लासिफिकेशन था वो इस प्रकार से है, पहला फाइलम है इनका क्लोरोफाइटा जिसकी क्लास थी क्लोरोफाइसी एंड केरोफाइसी, फाइलम सेकंड यूग्लिनोफाइटा, फाइलम थर्ड इज क्राइसोफाइटा जिसकी क्लासेस थी क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी एंड हेट्रोकॉन्टी जिसमें कि जेंथोफाइसी को इंक्लूड किया था, फाइलम फोर्थ इज पायरोफाइटा जिसकी क्लासेस थी डेस्मोकॉन्टी एंड डाइनोकॉन्टी, फाइलम जो फिफ्थ है वो था फियोफाइटा, इसमें भी इन्होंने क्लासेस वही तीन रखी थी आइसोजेनरेटी, हिट्रोजेनरेटी एंड साइक्लोस्पोरी, फाइलम सिक्स्थ इज रोडोफाइटा जिसमें कि इन्होंने क्लासेस बेंगोइडी एंड फ्लोरिडी दी थी, फाइलम सेवन्थ इज साइनोफाइटा जिसमें इन्होंने कोकोगोनी और हॉर्मोगोनी दिया था, फाइलम एट्थ इज क्रिप्टोफाइटा एंड फाइलम नाइन्थ इज क्लोरोमोनिडोफाइटा। उसके बाद में वापस से वीएल चैपमैन ने डीजे चैपमैन के साथ में 1973 में वापस से अपना क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया था, और यहाँ पर भी इन्होंने एल्गी को दो मेजर ग्रुप प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा में बांटा था, जो कि आगे फर्दर जो सब डिवीज़न दिया था उनको डिवीज़न और क्लासेस के अंदर दिया था। तो यहाँ इन्होंने जो प्रोकैरियोटा था उसमें डिवीज़न दिया इन्होंने साइनोफाइटा और क्लास दी साइनोफाइसी, यूकैरियोटा को इन्होंने डिवीज़न दिया रोडोफाइटा जिसमें क्लास थी रोडोफाइसी, नेक्स्ट डिवीज़न था क्लोरोफाइटा जिसमें क्लास थी क्लोरोफाइसी एंड प्रेसिनोफाइसी एंड केरोफाइसी, नेक्स्ट डिवीज़न इज़ यूग्लिनोफाइटा क्लास यूग्लिनोफाइसी, नेक्स्ट डिवीज़न क्लोरोमोनिडोफाइटा क्लास क्लोरोमोनिडोफाइसी, नेक्स्ट डिवीज़न जेंथोफाइटा क्लास इज जेंथोफाइसी, नेक्स्ट डिवीज़न बेसिलेरियोफाइटा बेसिलेरियोफाइसी जिसकी क्लास थी, नेक्स्ट डिवीज़न इज़ काइरोफाइटा जिसकी क्लास थी काइरोफाइसी एंड हेप्टोफाइसी, नेक्स्ट डिवीज़न फियोफाइटा जिसमें क्लास थी फियोफाइसी एंड नेक्स्ट डिवीज़न जो था वो था पायरोफाइटा जिसमें दो क्लासेस थी डाइनोफाइसी एंड डेस्मोफाइसी एंड लास्ट डिवीज़न इज क्रिप्टोफाइटा जिसकी क्लास थी क्रिप्टोफाइसी। यानी इस तरह से इन्होंने यूकैरियोटा को 10 डिवीज़न्स के अंदर और प्रोकैरियोटा को केवल एक डिवीज़न साइनोफाइटा में डिवाइड किया था। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रॉबर्ट ली का क्लासिफिकेशन। रॉबर्ट एडवर्ड ली 1980 में इन्होंने एल्गी को 6 डिवीज़न के अंदर बांटा था, और ये जो 6 डिवीज़न थे वो इस प्रकार थे, पहला डिवीज़न है साइनोफाइटा जो कि प्रोकैरियोटिक एल्गी थी और ये बैक्टीरिया से ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखते थे, इसकी क्लास इन्होंने दी थी साइनोफाइसी जिसमें कि ब्लू ग्रीन एल्गी को शामिल किया था। नेक्स्ट था डिवीज़न ग्लूकोफाइटा, ये एक तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो एल्गी थी उनके बीच की एक लिंक थी, और इसके अंदर इन्होंने एंडोसिम्बायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी को शामिल किया था। थर्ड जो डिवीज़न था वो है क्रोमोफाइटा जिसके के अंदर क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता था, और जो रिजर्व फूड मटेरियल जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट के बाहर मिलते थे उसको इन्होंने शामिल किया था, और इसके अंदर इन्होंने क्लास दी थी यूग्लिनोफाइसी, उसके बाद डाइनोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, काइरोफाइसी, पायरीमेनोसियोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, रेफिडोफाइसी, जेंथोफाइसी, यूस्टिग्मेटोफाइसी एंड फियोफाइसी। 10th जो इसकी क्लास थी वो थी फियोफाइसी। जो चौथा डिवीज़न था वो था रोडोफाइटा जिसके अंदर क्लोरोफिल ए और डी क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है
उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है और रिजर्व फूड मटेरियल जो थे वो फ्लोरिडियन स्टार्च थे और इसकी क्लास थी इनकी रोडोफाइसी। नेक्स्ट फिफ्थ जो था डिवीज़न वो था क्लोरोफाइटा, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट थे और साथ में इसमें जो रिजर्व फूड था वो स्टार्च था और जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यहाँ पर एब्सेंट थे। इसकी क्लास दी थी इन्होंने क्लोरोफाइसी। और लास्ट जो इन्होंने डिवीज़न दिया था वो था केरोफाइटा, जिसमें कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ही प्रेजेंट था, लेकिन इनकी जो मेल गैमिट होता है उसकी जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, यानी कुछ ब्रायोफाइटा के समान था, जहाँ पर कि स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट होता है, और इसकी क्लास इन्होंने दी थी केरोफाइसी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग टाइम पर एल्गोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरह के क्लासीफाई किया, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर इन एल्गी को बांटा था। थैंक यू।